नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। एनडीए के जो खेमे में जो चल रहा था वो तो सबको पता ही होगा। लगातार जो है एनडीए खेमे में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ था। सभी पार्टियां जो इसके अंतर्गत थी वो लगातार इस प्रयास में लगी हुई थी कि एलजेपी के चिराग पासवान जो है प्रमुख वो मान जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी के लगातार कोशिशों के बावजूद जब वो लगातार पटना में भी बैठक कर रहे थे, अगले ही दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और यहाँ का जो वाद संवाद था वो दिल्ली में पहुँचा रहे थे अमित शाह को, और अमित शाह का जो भी फरमान था वो यहाँ लेके आ रहे थे। लगातार कोशिश कर रहे थे कि एलजेपी मान जाए। इस बीच जो है एलजेपी ने स्पष्ट रूप से संसदीय बोर्ड की मीटिंग की, उसके बाद स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि अब वो जो है 243 सीटों पे लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो एनडीए से बाहर हो गए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। वो बीजेपी के बनाए हुए एजेंडों पे, बनाए हुए जो भी तमाम उनकी जो नीतियाँ हैं उनको लेकर वो उनका प्रचार करेंगी, उनके साथ रहेंगी। साथ ही वो पीएम मोदी के जो भी कार्य जो चल रही है उनके द्वारा उसको बढ़ावा देंगे, उसको उसके उसे सफल बनाने में उसकी बीजेपी की मदद करेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात और कही कि जिन जिन सीटों पे जदयू जो है अपने उम्मीदवार उतारने वाली है उन्हीं सीटों पे वो लड़ेगी, जदयू के खिलाफ लड़ेगी। इसका साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक स्पष्ट है कि वो बीजेपी के पक्ष में है और कहीं ना कहीं जदयू के जो है अगेंस्ट में है। वो लगातार एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं लगातार जो है अपने भाषणों में, अपने मीडिया से जब वो रूबरू हो रहे थे, चाहे वो ट्वीट कर रहे थे, तो लगातार वो एनडीए के जो जदयू हैं, जदयू के जो प्रमुख हैं नीतीश कुमार, उन पर वार करते हुए नज़र आ रहे थे। इस बीच एक खबर है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये जो सारी कहीं ना कहीं सबको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है एलजेपी के जो स्टेप उठाया गया उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। तो अब देखना यह है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो सवाल उठ रहे हैं, वो जदयू को मंजूर होगा, या अगर मंजूर होगा तो बीजेपी क्या करेगी इसके बाद। ये सारे सवाल जो है लगातार मीडिया में उठ रहे हैं, लगातार उनसे पूछा भी जा रहा है, जदयू के जो मुखिया हैं उनसे भी पूछा जा रहा है और भी जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं से भी पूछी जा रही है मीडिया के द्वारा सवाल कि क्या वो ये चीज़ें वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो बीजेपी क्या उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम जो खबरें चल रही थी मीडिया में, मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी जो है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें जदयू के ईमानदार सहयोगी की तरह दिखना है, जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। और साथ ही खबर यह भी है कि बीजेपी चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव आयोग भी जा सकती है। उन्होंने ये बात जो है लगातार चर्चा में चल रही थी कि बीजेपी मौन साधे क्यों है, बीजेपी क्यों नहीं जदयू के साथ खड़ी हो रही है, जब जो लगातार जो है जदयू पर जब चिराग पासवान वार कर रहे थे और बीजेपी जो है उनके साथी दल हैं, लेकिन इनके बावजूद वो उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर जो है उन्होंने उत्तर, इस पर उनकी तरफ से रिप्लाई आया है। रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है चिराग पासवान के खिलाफ भी जा सकती है, वो खिलाफ चुनाव आयोग के तरफ के पास जाके उनके जो बारे में है कंप्लेन करेंगी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और बीजेपी का गठबंधन जेडीयू के साथ है, ऐसे में कोई अन्य दल पीएम मोदी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर उसे भुनाने की कोशिश ना करें। बहरहाल एनडीए में होना क्या है इसको संकेत तो मिल ही रहे हैं। साथ ही जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर जल्द ही जो है कहा जा रहा है कि क्लैरिटी मिलेगी, जल्द ही उसकी जो तस्वीरें जो बनती हुई दिख रही हैं वो स्पष्ट होकर आप लोगों के सामने आएगी। तो ये बीजेपी के हवाले से खबर आ रहा है कि वो चिराग पासवान के खिलाफ जाएंगे अब चुनाव आयोग के पास, उनके अगेंस्ट वो कंप्लेन करेंगे। तो इस वक्त की जो है ये बहुत बड़ी खबर है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।